BSL ने 666 प्रीपेड प्लान को किया रिवाइज, जियो एयरटेल की होगी अब छुट्टी। बॉलीवुड स्टार प्रभास की अपकमिंग फिल्म साहू को लेकर जबरदस्त क्रेज बना हुआ यह एक्शन एंटरटेनमेंट मूवी इस साल 15 अगस्त के मौके पर रिलीज होगी। एक्टर ने फैंस के लिए स्वतंत्रता दिवस का दिन दोगुनी एक्साइटमेंट लेकर आएगा। 2 दशक बाद जल्द होने वाला आम चुनाव राष्ट्रवाद के साए में होगा। पुलवामा हमला मामले में पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के तहत भारतीय वायुसेना के सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने के बाद भाजपा गदगद है। पार्टी को उम्मीद है कि इस कार्रवाई से वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध के बाद वही राष्ट्रवादी बयार बीते आम चुनाव की तरह पीएम मोदी के पक्ष में लहर पैदा करेगी। सुरक्षा समीक्षा बैठक में हिस्सा लेने के लिए पीएम ने छोटा किया कार्यक्रम। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक पर अमिताभ बच्चन ने 118 तिरंगों के साथ किया इंडियन एयरफोर्स को सलाम। पाकिस्तानी मीडिया ने अपनी ही सरकार से दागे सवाल। भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर जो एयर स्ट्राइक की है उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने अपने ही सरकार से सवाल कर दिया। C24 से बात करते हुए वरिष्ठ पत्रकार इफ्तिखार अहमद ने सवाल किया कि अगर भारतीय विमान पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में सिर्फ 3 किलोमीटर तक ही घुस आए थे तो इमरान खान की सरकार ने स्पष्टीकरण देने में 12 घंटे से ज्यादा का समय क्यों लिया। इस टिप्पणी पर न्यूज चैनल ने उन्हें ऑफ एयर कर दिया। वरिष्ठ पत्रकार अंसार अब्बासी ने भी सवाल किया, हमने भारतीय लड़ाकू विमानों को क्यों नहीं गिराया। IRCTC की वेबसाइट पर ऑनलाइन होगा रिजर्वेशन चार्ट, अब घर बैठकर देख सकेंगे खाली सीटें। पुलवामा हमले के बाद बयान देना प्रोफेसर को पड़ा भारी, नौकरी से धोना पड़ा हाथ। असिस्टेंट प्रोफेसर मधुमिता के खिलाफ काफी लोगों ने शिकायत की थी। लोगों का कहना था कि प्रोफेसर ने राष्ट्र विरोधी बयान दिया है, ऐसे में उन्हें पद पर बने रहने का कोई हक नहीं। स्कूल स्टूडेंट के एग्जाम नजदीक हैं। पिछले साल पेपर लीक की घटनाओं ने स्टूडेंट को खासा परेशान किया था। आलम यह रहा कि बोर्ड को 10वीं और 12वीं के दोनों पेपर दोबारा कराने की नौबत आ गई। इस साल एग्जाम एरर फ्री हो इसे ध्यान में रखते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने अपनी कमर कस ली है। एग्जाम को एरर फ्री बनाने के लिए अलर्ट रहने को कहा है और साथ ही टेक्नोलॉजी को के जरिए एग्जाम को एरर फ्री बनाने की बात कही है। बोर्ड ने यह भी कहा कि यदि सुपरिटेंडेंट किसी भी तरह की गलती करते हैं तो उन्हें इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आदिवासी समाज ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ लोकसभा चुनाव में मत नहीं देने की चेतावनी दी। आदिवासी समाज के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को गलत करार देते हुए जिला प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस संबंध में मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद जिलाध्यक्ष भुवन सिंह कोराम ने बताया कि 13 फरवरी को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए केंद्रीय अधिनियम वन अधिकार पर पारंपरिक अधिकार के अधिनियम के को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज करते हुए करीब 16 राज्यों के 10 लाख से भी अधिक आदिवासी परिवारों को पट्टा ना दिखाने की पाने की स्थिति में अपने पारंपरिक पीढ़ीगत चले आ रहे जंगलों के निवास से विस्थापित करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है। भारत पाक में युद्ध की आशंका के बीच गिरा शेयर बाजार, 600 अंक लुढ़का सेंसेक्स। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की आशंका के बीच शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स अपनी शुरुआती उछाल से 600 अंक से ज्यादा गिर गया। देश के शेयर बाजार के शुरुआती कारोबार में बुधवार को तेजी का रुख था। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स सुबह 10:22 पर 299.67 अंकों की तेजी के साथ 36,273.38 पर और निफ्टी भी लगभग इसी समय 78.85 अंकों की मजबूती के साथ 10,914.15 पर कारोबार करते देखे गए। रुपए में कमजोरी से आईटी इंडेक्स को लगा झटका। आईटी स्टॉक्स में गिरावट की मुख्य वजह रुपए में कमजोरी को माना जा रहा है। बुधवार के कारोबार में रुपया 6 पैसे कमजोर होकर 71.11 प्रति डॉलर के भाव पर खुला। इसके पहले मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे कमजोर होकर 71.06 के स्तर पर बंद हुआ था। भारत की दिग्गज ऑटो कंपनी मारुति सुजुकी ने देश में अपनी नई 2019 इग्निस को लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत कंपनी ने 4.79 लाख रुपए एक्स शोरूम कीमत रखी है। नई कार सेफ्टी फीचर जैसे रिवर्स पार्किंग असिस्टेंट सिस्टम को ड्राइवर सीट बेल्ट रिमाइंडर और हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम जैसे फीचर्स के साथ उपलब्ध कराई गई है। ये फीचर सारे वेरिएंट में स्टैंडर्ड तौर पर उपलब्ध रहेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के 10 सबसे बड़े अमीरों की सूची में शामिल हो गए हैं। द हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2019 में सबसे ऊपर लगातार दूसरे साल अमेजन चीफ जेफ बेजोस बने हुए हैं। वहीं तीसरे नंबर पर विप्रो चेयरमैन अजीज प्रेमजी बने रहे। इस साल के महीने दो महीनों में पेट्रोल का भाव करीब 3 रुपए प्रति लीटर और डीजल का भाव 4 रुपए प्रति लीटर बढ़ चुका है। आज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई समेत किसी भी शहर में पेट्रोल डीजल के भाव में बदलाव नहीं हुआ। हालांकि पिछले 13 दिनों में पेट्रोल के भाव 12 बार बढ़ चुके हैं। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 ABS की बिक्री हो गई शुरू।
रॉयल एनफील्ड ने पिछले साल से अपने लाइनअप में ABS को देना शुरू कर दिया था। ये आखिरकार रॉयल एनफील्ड ने अपनी क्लासिक 350 के स्टैंडर्ड वर्जन में सेफ्टी फीचर को पेश कर दिया। एंट्री लेवल रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 ABS की कीमत 1.53 लाख रुपए रखी गई है। इसमें बेहतरीन ब्रेकिंग के लिए ड्यूअल चैनल यूनिट दिया गया। इस फीचर को पिछले साल अगस्त में क्लासिक 350 सिग्नल एडिशन में लॉन्च किया गया था। इसके बाद अलग अलग फेज में इसे गन मेटल ग्रे और रेड डिच मॉडल्स में उपलब्ध कराया गया था। रिजर्व बैंक ने मंगलवार को दो सरकारी बैंकों कॉरपोरेशन बैंक और इलाहाबाद बैंकों को तत्काल सुधार की श्रेणी से बाहर कर दिया। निजी क्षेत्र के धनलक्ष्मी बैंक को भी PCA से निकाला गया है। अब इन बैंकों पर नया कर्ज देने के लिए कोई अंकुश नहीं रहेगा। ये नई ब्रांच खोल सकेंगे और डिविडेंड भी दे सकेंगे। बार्सिलोना में चल रहे मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस के दौरान टेस्ला एक्स का शोकेस किया गया। यह इलेक्ट्रिक कार है और इस कंपनी के फाउंडर अमेरिकी कारोबारी एलोन मस्क हैं। ये कार काफी पॉपुलर और फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल का है। ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार है और यह क्रॉसओवर यूटिलिटी व्हीकल है। इसमें गल विंग्स डोर्स दिए गए हैं, ट्रेडिशनल डोर्स नहीं, गल विंग्स यानी डोर्स ऊपर की तरफ खुलते हैं। इस कार में बैठते ही सबसे पहले हमारी नजर पड़ी इसमें लगे हुए बड़े स्क्रीन की तरफ, जो स्टीयरिंग के ठीक बगल में है। 2016 में इस कार को दुनिया की 7वीं बेस्ट सेलिंग प्लस इन कोर्स का अवार्ड भी दिया गया। अमेजन म्यूजिक जियो सावन को टक्कर देने आया स्पॉटिफाई, भारत में हुआ लॉन्च। स्वीडन की कंपनी स्पॉटिफाई ने कहा कि वह ऐप के माध्यम से भारतीय संगीत प्रेमियों को स्थानीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगीत की पेशकश करेगा। यह ऐप मुफ्त होगा। उपयोगकर्ता 59 रुपये प्रति महीने खर्च करके स्पॉटिफाई प्रीमियम का भी लाभ उठा सकते हैं। सोने के भाव में बढ़ोतरी हुई। दिल्ली सराफा बाजार में सोने का भाव 120 रुपये तेजी के साथ 34,650 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया और चांदी के भाव में भी तेजी आई है। चांदी का रेट 70 रुपये की तेजी के साथ 41,475 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है। चांदी में इंडस्ट्रियल यूनिट और सिक्का निर्माताओं की भी मांग आई। बर्नस्टीन के मुताबिक इस वित्त वर्ष के अंत में मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो को $2.1 अरब अर्थात 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। इसमें सब्सिडी वाले मोबाइल फोनों की लागत भी शामिल है। यह नुकसान भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की तुलना में बड़ा होगा। पेप्सिको की पूर्व CEO इंदिरा नुई विश्व की दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के बोर्ड में शामिल हो गईं। नुई ने पिछले साल अक्टूबर में पेप्सिको से इस्तीफा दिया था। अमेजन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होने वाली नुई दूसरी महिला हैं। इससे पहले स्टारबक्स की पूर्व एग्जीक्यूटिव रोजालिंड ब्रीवर शामिल हुई थी। अमेजन इन दोनों महिलाओं की कंपनी के बोर्ड में शामिल होने पर खुशी जताई है। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के बेटे आकाश की शादी रसेल मेहता और मोना मेहता की बेटी श्लोका से 9 मार्च को होनी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शादी से पहले दोनों परिवार ने स्विट्जरलैंड के सेंट मोरिटेज में 3 दिन का प्री वेडिंग बैश ऑर्गेनाइज किया है। सेलिब्रेशन में बॉलीवुड के सितारे भी शिरकत कर रहे हैं। इनमें आमिर खान, शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, करिश्मा कपूर, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, आयान मुखर्जी, करण जौहर, जैकलिन फर्नांडिस, मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर, नव्या नवेली, नंदा आदि शामिल हैं। सेलिब्रेशन के पहले दिन आमिर खान ने अंबानी की होने वाली श्लोका मेहता के साथ आती क्या खंडाला गाने पर डांस भी किया। वहीं शाहरुख खान और बाकी स्टार्स ने गल्ला गुड़िया पर मेहमानों के साथ परफॉर्म किया। करीना कपूर खान हमेशा अपने फैशन स्टाइल के लिए जानी जाती हैं, लेकिन मंगलवार को एक्ट्रेस बेबी बंप के साथ नजर आईं। तस्वीरें आने के बाद करीना की प्रेगनेंसी की चर्चा जोरों पर है, मगर करीना रियल लाइफ में नहीं बल्कि रील लाइफ में प्रेग्नेंट हैं। दरअसल सामने आई लेटेस्ट तस्वीरें करीना कपूर की अपकमिंग फिल्म गुड न्यूज़ की है।